सरहदी बाड़मेर जिले में वेदांता केयर द्वारा बनाया जा रहा 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल अब तैयार हो चुका है। कोरोना के खिलाफ सामाजिक सरोकार के लिए बड़े कदमों में वेदांता केयर का ये सबसे बड़ा कदम है। जर्मन टेक्नोलॉजी से बने 100 बेड के इस फील्ड अस्पताल का शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल समारोह में लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती सभी कोविड मरीजों का यहाँ स्थानांतरित कर इलाज किया जाएगा। गौरतलब है कि इस फील्ड अस्पताल में मरीजों के लिए 10 आईसीयू, 10 बाईपेप आईसीयू और 80 ऑक्सीजन युक्त बेड सहित कुल 100 बेड्स की व्यवस्था की गई है। सरहदी बाड़मेर में केयर वेदांता 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल अब तैयार हो गया है। कोरोना के खिलाफ सामाजिक सरोकार के लिए बड़े कदमों में केयर और वेदांता का ये सबसे बड़ा कदम है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 7,350 वर्ग मीटर इलाके में जर्मन टेक्नोलॉजी का ये अस्पताल हजारों लोगों को आपदा के हालातों में उनके मर्ज की तारमदारी करता नजर आएगा। सरहदी बाड़मेर जिले में तेल उत्खनन में लगी केयर वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी कोरोना काल में स्थानीय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करती नजर आ रही है। वेदांत केयर द्वारा तैयार किए गए फील्ड अस्पताल में चिकित्सा विभाग ने चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं अब शुक्रवार को इस फील्ड अस्पताल का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल समारोह में इसका लोकार्पण कर आमजन को सुपुर्द करेंगे। वर्चुअल समारोह में जिला कलेक्टर लोकबंधु, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, केयर वेदांता की सीएसआर हेड हरमीत सेहरा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। केयर वेदांता की सीएसआर हेड हरमीत सेहरा ने बताया कि कोविड डेडिकेट अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण समारोह शुक्रवार को आयोजित होगा। से हम लोग ने एक कोशिश शुरुआत की थी एंड लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, तो आज हम लोग इसका ड्राई रन करेंगे। कल तो थोड़ा तूफान भी आ गया था और वो भी एक ड्राई रन हो गया, तो सब कुछ सही सलामत है आज एंड अच्छा ही हुआ, शायद भगवान की मर्जी थी। एंड अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सेट सारे हमारे टेस्ट हो गए हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन का भी काम हम लोग ने चेक कर लिया, सारा कुछ सही चल रहा है। तो आज डॉक्टर्स लोग भी आएंगे, शाम को एक बार कलेक्टर साहब का विजिट होगा, एक बार ड्राई रन करने के बाद आई थिंक हम लोग तैयार हैं। गौरतलब है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी हाई स्कूल मैदान में बने 100 बेड के फील्ड अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड में 80 बेड होने के साथ 10-10 बेड के 2 आईसीयू भी तैयार किए गए हैं। सभी सुविधाओं के साथ साथ ये अस्पताल आग, पानी और तूफान को झेलने की क्षमता रखता है। सीएसआर मैनेजर अविनाश रावल पिछले कई दिनों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये अस्पताल पूरी तरह से एयर कंडीशनर होने के साथ ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यहाँ पाइपलाइन भी बिछाई गई है। लोकार्पण के साथ ही इस फील्ड अस्पताल को वेदांता केयर द्वारा जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य के चिकित्सालय में भर्ती कोरोना रोगियों को यहां स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं लोकार्पण के बाद कोरोना के नए मरीजों का भी इलाज यहीं होगा। साथ ही चिकित्सालय में एक बार फिर से साधारण रोगियों की ओपीडी शुरू हो जाएगी।